इधर नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाकर घोटाला करने के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल शॉप चलाने वाले लोग आर्थिक दोहन कर रहे हैं। नकली प्रमाण पत्र ऐसा बना रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालयों से निर्गत किया जाता है और अधिकारियों के हस्ताक्षर पर भी सही पाए जा रहे हैं। ताजा मामला गुमला सदर अस्पताल में पकड़ में आया है, जहां गुमला सदर प्रखंड के टोटो गांव निवासी शंकरी देवी अपने दो बच्चों के डिजिटल शॉप में बने जन्म प्रमाण पत्र में स्टाम्प लगाने सदर अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने जन्म प्रमाण पत्र की जाँच की तो वह गलत पाया गया। तो एक जन कैसे कर रहा है? कहाँ से बनवा रहे? हाँ, कहाँ से? लापुंग, लापुंग, लापुंग महुगाम। तो का मोबाइल दुकान दुकान से बनवाए रहा? तो इकर पापा हर बनवाए रहे। तो लेकिन एखन सदर अस्पताल में आला से का कहले इवन? आज सदर अस्पताल में टोटो गांव से एक शंकरी देवी महिला अपने दो बच्चों का शिवम मांझी और रितेश मांझी का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आई स्टैंप लगवाने के लिए। जब इसे जांच किया गया मालूम चला कि ये दोनों बर्थ सर्टिफिकेट सदर अस्पताल गुमला से इशू नहीं किया गया है। जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे हस्बैंड के द्वारा ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया है। फिर उनके हस्बैंड से बात हुआ तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो भाई है वो महुगांव लापुंग में किसी ऑनलाइन सेंटर से ये दोनों बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, जिसमें उनके द्वारा 700 रुपये भी चार्ज किया गया। तुरंत इसके बारे में ये सांख्यिकी विभाग को दोनों सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी करके भेजा गया है ताकि जांच करके पता किया जा सके कि ये एक्चुअल बन कहाँ रहा है। जबकि इसमें सर्टिफिकेट में भी जो अभी एक 5 मार्च का डेट डाला हुआ इशू करने का डेट, एक 28 फरवरी का, और जबकि साइन भी दोनों में पुराने डीएस का है, जब नए डीएस का भी नहीं है। तो ये पूरी तरह से ये जाली सर्टिफिकेट है। ये अगर ये काम हो रहा है तो ये बहुत गलत काम हो रहा है।